हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। फाइनली मेरी 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक मैंने 12.5 टू 13 केजी तक लॉस कर लिया है और मेरे इंचेस पे बहुत अच्छे लॉस हुए हैं। और मैं अपनी जर्नी अगेन स्टार्ट करने वाली हूँ 2 मंथ्स की फिर से, बिकॉज मुझे 8 to 9 केजी और लॉस करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है 55 kg to 56 kg। सो अभी मैंने बनाया है एप्पल का डाइट प्लान। कुछ टिप्स मैंने आपके साथ फॉलो शेयर किए थे कि जो आपको एप्पल के प्लान में फॉलो करने और क्या क्या चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अप्रैल का डाइट प्लान। और मैंने उसको प्रॉपरली बनाया है और आप सबके लिए डिज़ाइन किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूँ। वैसे तो नवरात्रि चल रही है, मैंने नवरात्रि का प्लान भी शेयर किया था, बट जो लोग फास्टिंग नहीं कर रहे उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो उसका मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाली हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर नाइट ड्रिंक तक, मील में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, डे कैसे स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि अभी समर स्टार्ट है तो आप अपने छोटे छोटे मील्स को इंक्लूड करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो अच्छे से बूस्ट हो सके। डाइट प्लान में मैंने फ्रीक्वेंट मील ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, बिकॉज अभी समर है तो हम लोग जितना लिक्विड अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बराबर में रहेंगे और हमारा वेट लॉस प्रोसेस भी अच्छे से होगा और हमारी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। टाइमिंग को ज़रूर अच्छे से फॉलो करें ताकि आपका वेट लॉस और इंचेस लॉस बहुत अच्छा हो सके। ट्राई करें इंटरमीडियट फास्टिंग को फॉलो करने का। 14:10 विंडो जो है आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपका 14 आवर्स की फास्टिंग और 10 आवर्स जो है वो आपके ईटिंग पीरियड रहेंगे। ये डाइट हॉर्मोनस बैलेंस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको हॉर्मोन्स का इशू है तो इस डाइट को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी, उन लोगों के लिए भी डाइट बहुत अच्छी है। सो इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत अच्छे से क्योर होने स्टार्ट हो जाएगी, बट इट टेक्स टाइम। ओके, इंस्टेड ऑफ स्नैक्स यू कैन ऐड समर ड्रिंक्स। जो मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स आजकल मैं शेयर कर रही हूँ तो आप लोग उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। जितने भी मेरे पेज पे ड्रिंक्स है तो आप उनमें से कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हैं, जो मैं आपको शेयर करूंगी उसमें से भी आप लोग ले सकते हो। हेल्थी ड्रिंक्स को जरूर इंक्लूड कर, जैसे कि गाजर की कांजी होती है या फिर कोकोनट वाटर है, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स को बराबर करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बटर मिल्क को इंक्लूड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स वाटर को जरूर इंक्लूड कीजिए। बैलेंस और गार्ड वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। बैलेंस जो होते हैं उसमें काफ़ी हद तक पानी होता है, तो जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके हाइड्रेशन को लेवल में रखता है। और गार्ड वेजिटेबल्स जो होती है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अर्ली डिनर करना है, प्रोटीन ईच मील में इंक्लूड करना है, और इसके अलावा आपने गुड कॉम्बिनेशन लेनी है सैलड्स के। सैलड्स को जरूर इंक्लूड करना है, बट ये नहीं है कि टमाटर खीरा प्याज लेना है, आप चने का सैलड, राजमा का सैलड, ये सब चीज़ें इंक्लूड ले सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करनी है मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेना है एलोवेरा जूस, जिसमें आप लोगे 30 ml एलोवेरा और 30 ml उसमें डालोगे वाटर। उन दोनों को मिक्स करोगे और अच्छे से पी लोगे। अगर आप लोगे पीरियड्स चल रहे हैं तो आप लोग इस ड्रिंक को नहीं लोगे, फिर आप लोगे फाइनल सीड्स वाटर, पानी लोगे 2 गिलास और उसमें डालोगे 1 teaspoon सौंफ और उसको अच्छे से बॉइल करोगे, देन स्ट्रेन करके उसको अच्छे से सिप सिप करके पियोगे। इसके अलावा मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो आप पानी से करोगे, एंड आफ्टर दैट आप लोग कोई भी फ्रूट ले। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ वाटरमेलन, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बहुत अच्छी होते हैं और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बराबर भी रखता है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पानी के साथ साथ आप लोग डिटॉक्स वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन भी रखेगा और हाइड्रेशन को भी मैनेज करके रखेगा। आफ्टर 40 मिनट्स आप लोग ले सकते हो अपना कोई भी ब्रेकफास्ट, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ले सकते हो ओट्स का उपमा, सूजी का उपमा ले सकते हो, 1 small pellet जिसमें आप खूब सारे सब्जियों का इंक्लूड करें। इसके अलावा वेजिटेबल दलिया ले सकते हो, जिसमें 1 handful ऑफ दलिया आप लोगे, 2 handful ऑफ वेजिटेबल्स आपको देने हैं। आप गुलकंद का शेक बना सकते हो, थोड़ा सा वाटरमेलन डालो, थोड़ा सा गुलकंद डालो, थोड़ा सा दूध डालो और उसको ब्लेंड कर दो। इसके अलावा आप सत्तू पीनट बनाना की स्मूदी बना सकते हो, 2 चम्मच सत्तू लोगे, 1 छोटा सा बनाना लोगे, थोड़ा सा मिल्क, उनको ब्लेंड कर दोगे। वेजिटेबल पोहा आप लोग ले सकते हो, एश कर्ड का जूस ले सकते हो, प्लस बाउल ऑफ वेजिटेबल्स ले सकते हो या फिर फ्रूट्स ले सकते हो। मूंग दाल का चीला बना के आप ले सकते हो, इडली सांभर ले सकते हो, ओवरनाइट ओट्स ले सकते हो या फिर शिया पुडिंग की ले सकते हो, मैंगो की शिया पुडिंग ले सकते हो, बनाना की शिया पुडिंग। मैंने बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हुई है, ऑलमोस्ट ये सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग ड्रिंक्स तो मैंने आपको बता ही दी। आफ्टर दैट आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट 30 to 40 minutes के बाद, एंड ये ब्रेकफास्ट आपको 9 o'clock तक फिनिश कर देना है। एंड उसके बाद आता है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक्स मिड स्नैक का टाइम, इसमें आपको 11:30 to 12 o'clock इन बिटवीन आपको अपना स्नैक लेना है। इंस्टेड ऑफ कोई भी स्नैक आप लोग ड्रिंक्स को इंक्लूड करें, बिकॉज गर्मी है, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, एश कर्ड का जूस ले सकते हैं, कुकुम्बर का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, शिया सीड्स का वाटर ले सकते हैं, आम पन्ना जिसकी मैंने रेसिपी अभी शेयर की थी तो आप वो भी ले सकते हैं।
सकते हैं। इसमें से कोई भी ड्रिंक आप लोग चूज कर सकते हैं जो आपके पास इजिली अवेलेबल हो और जो आपको अच्छी लगे। एंड लंच में आपको लेनी है 2 रोटी विद सब्जी प्लस दाल, 2 रोटी प्लस आप राजमा ले सकते हैं, 2 रोटी प्लस आप चना ले सकते हैं, या फिर एक बाउल आप राजमा का सैलेड, चने का सैलेड, लोबिया का सैलेड आप लोग ले सकते हैं, राजमा चावल ले सकते हैं, चना चावल ले सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। आप पनीर को ग्रिल करके भी ले सकते हैं खूब सारी सब्जियों के साथ। स्नैक में आपको लेना है नींबू पानी, आप चिल ग्रीन टी बना सकते हैं, ऑरेंज टी की मैंने अभी रेसिपी भी शेयर की आप वो देख सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, रोस्टेड चने की बेल बना सकते हैं, घर की बनी हुई बेल पूरी भी खा सकते हैं, मखाना की लड्डू जिसकी रेसिपी मेरी यूट्यूब पे वो भी आप ले सकते हैं, छोटा सा लड्डू लेना है ओके, उसके बाद आप गुड़ चना मिक्स करके भी ले सकते हो। तो इसमें से आप कोई भी एक रेसिपी चूज कर सकते हो, कोई भी एक मील आप ले सकते हो जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा और आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। कॉर्न्स का सैलेड बना के ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स जो होते हैं, मेक श्योर उसकी क्वांटिटी आप लोग 80 टू 100 ग्राम्स तक रखें ईच स्नैक की। उसके बाद डिनर में आप ले सकते हैं वेजिटेबल सूप विद ग्रिल पनीर, 50 ग्राम्स पनीर ले, साथ में एक बाउल वेजिटेबल सूप का, टोमेटो सूप विद पनीर आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप एक रोटी प्लस लौकी की सब्जी ले सकते हैं। मेक श्योर इस रूटीन में आपको या तो आपको लेनी है रागी की रोटी या फिर आपको लेनी है ज्वार की रोटी जो समर के लिए अच्छी होती है ओके। वेजिटेबल ओट्स बना सकते हैं पनीर डाल के, अगर आप वेजिटेरियन है नवरात्रि के बाद आप लोग एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बेसन का चीला विद पनीर की स्टफिंग करके आप लोग ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं थोड़ी सी दाल डाल के, आप मूंग दाल का सूप भी ले सकते हैं खूब सारी सब्जियां डाल के, आप सोया की सब्जी प्लस 1 रोटी भी ले सकते हैं। 8 o'clock रहेगा आपका डिनर का टाइम, लंच का टाइम रहेगा 2 o'clock, मिड मॉर्निंग का टाइम है 11:30 to 12 o'clock एंड मिड इवनिंग का टाइम रहेगा स्नैक का आपका 4 o'clock एंड 6:30 आप लोग बाउल का सैलेड ले एंड 7 o'clock तक अपना डिनर आप लोग फिनिश कर ले। 7:30 to 8 o'clock के बिटवीन आप लोग अपने बेड टाइम ड्रिंक लेंगे या जब भी सोने जाते हैं उसे आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं जिंजर फैनल टी का पानी, थोड़ा सा अदरक ले, थोड़े से फैनल सीड्स है जिसको हम सौंफ बोलते हैं, पानी में बॉईल करें, स्ट्रेन करके उसको सिप सिप करके आराम से पिए, या फिर आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो आप लोग कैमोमाइल टी ले सकते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। फैनल टी ले सकते हैं, सौंफ का पानी, गर्म पानी लेके भी आप लोग सो सकते हैं। अगर फिर भी आपको भूख लगे तो एक गिलास गर्म दूध में आप देसी घी मिला के आप लोग आराम से ले सकते हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अभी जैसे समर है खूब सारी सब्जियां फ्रूट्स इंक्लूड करें ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन हो सके, फाइबर मिल सके, विटामिन एंड मिनरल्स मिल सके। 10,000 स्टेप्स आप डेली के करें और उसके अलावा आपको मेडिटेशन भी करनी है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। जितने ड्रिंक्स को इंक्लूड करोगे उतने आप एक्टिव रहोगे, आप लोग बहुत नींद नहीं आपको आएगी सबसे बड़ी बात। सुबह के टाइम में अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो बट सुबह में विटामिन डी के लिए थोड़ी सी धूप में वॉक जरूर करें जब हल्की हल्की हवा भी होती है और धूप भी होती है। ये रहा आपका एप्रिल का डाइट प्लान, इसको फॉलो करें और मुझे जरूर बताएं कि आपने इससे कितना वेट लॉस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय, टेक केयर, मेरी वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी दें ओके, बाय बाय।